हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राज निंदनी। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। मैंने अपनी पहली वीडियो में पूरा कर लिया, आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस को। इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? इम्पॉर्टेंस हमारे चार तरीके के होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द सोसाइटी, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द फर्म, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द डेवलप्ड इकोनॉमी, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द सोसाइटी। इसमें हम अपने 3 पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहला है हमारा इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, यानी ये कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। कैसे? मार्केटिंग कैन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन द वेरियस सर्विस लाइक फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा। जब हम कोई नया मार्केट स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में हमें फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वेयर हाउसिंग में प्रोटेक्ट करने के लिए लोग चाहिए। कि हमने अगर मार्केटिंग स्टार्ट किया तो उस टाइम में हमें हर एक स्टेप पर मुझे कोई चाहिए पर्सन, ताकि वो मेरे इस काम को मैनेज करे, यानी ये कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, यानी ये कि मार्केटिंग कैन मॉडिफाई द प्रोडक्ट टाइम टू टाइम। जो मार्केटिंग है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कराने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आता है। एंड दिस मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन गिव द मोर कम्फर्ट टू द कस्टमर, सो द लिविंग स्टैंडर्ड कैन ऑल्सो इंक्रीज। यानी ये कि अगर कुछ नया हमारे प्रोडक्ट में आ रहा है तो वो हमारे लिए और कम्फर्ट ही देगा, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी ये कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता है। वो कैसे होता है? मार्केटिंग कैन डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिक्रीज़ होगा तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है? प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लोएस्ट प्राइस पर अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती है तो सारे कस्टमर चाहते हैं कि मैं उस प्रोडक्ट को ख़रीद लूँ। तो इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंस है इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द फर्म, यानी मार्केटिंग फर्म में हमें कैसे इम्पॉर्टेंस क्रिएट करता है। पहला हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन द बिजनेस प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। मार्केटिंग कैन नॉट रन ओनली विद द फाइनेंशियल रिसोर्स, इनफैक्ट द मार्केटिंग रन स्मूथ विद द बेटर प्लानिंग, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग हेल्प टू द मैनेजर टू सेट द बेटर प्लान, पॉलिसी एंड डिसीजन। यानी ये कि हमारा जो मार्केटिंग एक्टिविटी है, सिर्फ हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है तो इसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस को रन नहीं करा सकते हैं। यानी पैसा है तो हम अपने बिजनेस को रन करा दें, ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारे पास एक करेक्ट प्लानिंग, एक अच्छी पॉलिसी, हम अच्छे तरीके से डिसीजन किसी तरीके को लेना, अगर ये सारे चीज़ें मैनेज नहीं होंगी अच्छे तरीके से, तुम्हारा बिज़नेस जो है वो अच्छा रन नहीं कर पाएगा, स्मूथ रन नहीं कर पाएगा, हमारा जो बिज़नेस का ग्रोथ है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज प्रॉफिट। मार्केटिंग हेल्प टू रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय द प्रोडक्शन कॉस्ट। थ्रू डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट द प्राइस बिकम चीपर एंड द प्रॉफिट इज़ इंक्रीज। यानी ये कि जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस होता है, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है, ऐसे में हमारा जो प्राइस है वो अगर चीपर हो रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? हम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन द बेटर कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारे फर्म और सोसाइटी के बीच में, ये बहुत अच्छा क्रिएट होता है। थ्रू द बेटर कम्युनिकेशन इजी टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोसाइटी, डैट मीन्स कंज्यूमर वांट। यानी ये कि अगर हमारा जो एक कम्युनिकेशन है फर्म और सोसाइटी के बीच में, वो अगर बहुत अच्छा है तो हम सोसाइटी के बीच जाकर के पता कर सकते हैं कि किस तरीके की वो प्रोडक्ट की उन लोग को वांट है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या फैशन है और उन क्या चाहते हैं वो लोग। जो प्रोड्यूसर है वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप कर सके, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड को सेटिस्फेक्शन मिल सके। बात थर्ड इम्पॉर्टेंस है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द डेवलप्ड इकनॉमी। इन द कंपेरिजन बिटवीन डेवलप्ड इकनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकनॉमी, इन द डेवलप्ड इकोनॉमी हैव मोर वॉन्ट टू नीड द कम्फर्ट
द लाइफ स्टाइल सो द मार्केटिंग मैनेजर विल गिव द फुल एफर्ट टू इंक्रीज ग्रोथ। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा गांव एरिया है और जो हमारा शहर वाला एरिया है, उसमें से हमारा जो शहर वाला एरिया है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर जो मार्केटिंग एफर्ट है वो पहले से ही हाई होता है। इसलिए जितने भी मैनेजर होते हैं वो सोचते हैं हम कितना ज़्यादा ज़्यादा एफर्ट डाल दें ताकि हमारा जो ग्रोथ है बिजनेस का वो हमेशा इंक्रीज होता रहे। नाउ लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर। इन द मार्केटिंग यूज इन द रूरल एरिया is very difficult because need is more but the production is low, so there need to increase the marketing and develop the rural area। यानी ये कि हमारे गांव वाले जो एरिया होते हैं रूरल एरिया, यहाँ पर जो है इनकी वांट तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन प्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी लो होता है। यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं आ पाती हैं सारी टेक्नोलॉजीज, इस वजह से यहाँ पर जो डिमांड है वो हाई होने के बावजूद हम अपनी सप्लाई को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें अपने मार्केटिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पे मार्केटिंग जो है वो इम्पोर्टेंस एक तरीके का बन जाता है कि भाई यहाँ पे हमको इस तरीके के प्रोडक्ट को लाना है ताकि हम अपने कस्टमर के नीड को कंप्लीट कर सकें। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मार्केटिंग एनवायरमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स या फिर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।